आपका फोन आपको हर वक्त ट्रैक कर रहा है। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। आपका फोन ना सिर्फ आपकी एक्शंस ट्रैक कर रहा है बल्कि आपकी कॉन्वर्सेशंस भी सुन रहा है। आप कौन कौन से एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर रहे हो, आप नोट्स पे क्या लिख रहे हो, इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहे हो, ये सब कुछ चीजें। तो अगर आप इस चीज को रोकना चाहते हो या चाहते हो कि आगे से आपका फोन आपको ट्रैक ना करे, तो कुछ सेटिंग्स है जिसे आपको अपने फोन में चेंज करना है। सबसे पहले तो सेटिंग्स एप्लीकेशन ओपन करके स्क्रॉल डाउन कर लेना है एंड गूगल के अंदर चले जाना है। यहाँ पे आपको ऑल सर्विसेज करके ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इसके ऊपर टैप करना है एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के नीचे एड्स करके एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इसके ऊपर टैप करना है। अब एड्स प्राइवेसी के ऊपर टैप कर लेना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड टॉपिक्स करके, ये एनेबल रहेगा बाय डिफॉल्ट, इसे आपको सबसे पहले डिसेबल कर लेना है। देन यहाँ से बैक करके ऐप सजेस्टेड एड्स इसके अंदर चले जाना है एंड इस वाले ऑप्शन को भी आपको ऑफ कर देना है। देन यहाँ से बैक करने के बाद एड मेजरमेंट एंड इस ऑप्शन को भी आपको ऑफ कर देना है। तो बेसिकली ये सेटिंग्स है क्या, आपने अक्सर एक चीज नोटिस किया होगा, अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में या फिर कोई सर्विसेज के बारे में बात करते हो एंड कुछ ही टाइम के बाद अगर आप कोई भी इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो तो उसका सिमिलर टाइप का रिजल्ट आपको शो होने लगता है। इसी के साथ अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो तो वहां पर भी आपको उस टाइप की एड्स देखने को मिलता है जस्ट इसी के कारण। तो ये सारे सेटिंग्स अगर आपने ऑफ कर दी तो इसके आगे आपको इस तरीके का चीज देखने को नहीं मिलेगा। नाउ काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, और भी कुछ सेटिंग्स है जिसे आपको चेंज करना है। अगर आप यहाँ से बैक करोगे तो रिसेट एडवर्टाइजिंग आईडी करके एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इसके ऊपर टैप करना है एंड कंफर्म कर देना है। एडवर्टाइजिंग आईडी आपका रिसेट हो जाएगा। देन इसके जस्ट नीचे डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी के ऊपर टैप कर देना है। नाउ यहाँ से बैक करके आपको सेटिंग्स एप्लीकेशन के अंदर चले जाना है एंड एप्स के अंदर चले जाना है। देन राइट साइड के कॉर्नर में जो थ्री डॉट्स है इसके ऊपर टैप करके स्पेशल एक्सेस एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद एप्स दैट कैन ऑलवेज यूज डेटा इस वाले ऑप्शन को टैप करना है। एंड अगर आप अपने फोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो तो मेटा सर्विसेस करके आपको एक ऑप्शन दिखेगा। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये जो मेटा सर्विसेज करके ऑप्शन है, सिंपली इसे आपको ऑफ कर देना है। नाउ इसके बाद हो सके तो अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना, मतलब ऑफ करके वापस ऑन कर लेना। बाकी इस स्पेशल एप्स के अंदर और भी कुछ सेटिंग्स है जिसे आपको चेंज करना है तो इस वीडियो का लिंक यहाँ पे रहा।